प्रदेश में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अभय प्रशाल में स्थित लाभ मंडप हाल में 36वां मालवा संगीत कला का सम्मान समारोह सुप्रसिद्ध संगीतकार दिलीप सेन समीर सेन के यहाँ पधारे सभी अतिथियों के हाथों सम्मान किया गया। इस गीत संगीत के कार्यक्रम में कई गायकों ने कार्यक्रम में आए संगीत प्रेमियों का कथक डांस से और गीतों से मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में आए कई गीतों को गाकर गायकों ने अपनी अपनी मधुर आवाज से बारी बारी से गीतों की प्रस्तुति भी दी। मुंबई से आए गायक मनोरंजन झा, वैभव केमकर, विक्रम बजाज व अन्य सभी ने अपनी संगीत और गीतों के माध्यम से बखूबी समा बांधा। इसी कड़ी को जोड़ते हुए इंदौर के प्रसिद्ध गिटार वादक गुड्डू शर्मा ने हर गीतों पर अपनी गिटार की लय को मिलाकर सभी आए गायकों का बखूबी साथ देकर साथ दिया। दिलीप सेन जी ने बताया कि मैं संगीत के क्षेत्र से जुड़े मुझे कई साल हो गए हैं। मैं जब भी इंदौर आता हूं, उज्जैन महाकाल मंदिर दर्शन करने जरूर जाता हूं। और इंदौर एक ऐसी जमीन है जहां लता जी का जन्मभूमि स्थल है और इस समय लगातार स्वच्छता में प्रथम है। और मैं जब से संगीतकार बना हूं, यानी कि आज मुझे 28-29 साल हो गए हैं, रोज हर शहर हर गांव हर मुल्क जाने का मौका मिलता है, मगर इंदौर के पास ही उज्जैन है जहां महाकाल है, तो मैं उज्जैन के साथ साथ इंदौर को भी महाकाल का हिस्सा मानता हूं। तो जितना प्रेम भाव मुझे उज्जैन में मिला, उतना ही मुझे यहां मिला। मैंने यहां एक चीज जरूर देखी है कि ये इंदौर मतलब एक नाम नहीं है, ये जैसे कि सफाई का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एक शहर है, उसी तरीके से संगीत के अंदर भी इस शहर का जवाब नहीं। उसका उदाहरण अगर हम देते हैं तो हमारी सरस्वती माँ का स्वरूप लता दीदी, वो भी हमारी इंदौर की है। तो समझो जिस धरती पे लता मंगेशकर ने जन्म लिया हो, वो धरती तो वैसे ही पावन और महान है, तो महाकाल की आशीर्वाद है। तो इंदौर आना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ कई चीजें हैं। संगीत तो संगीत है ही, मगर मैं कभी कभी टीवी में देखता हूँ कि कोई इंटरव्यू या कभी चैनलों में कुछ चलता रहता है, तो इंदौर के खान पान का और नमकीन का बहुत होता है। तो मैं ये समझा कि यहाँ के लोग संगीत प्रेमी के साथ साथ खान पान के भी प्रेमी हैं। और मुझे किसी ने यहाँ तक कहा है कि इंदौर की कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती है। तो मैं क्या तारीफ करूं इंदौर की, क्योंकि मैं तो एक कलाकार के नाते मैं अपने संगीत के हिसाब से बात कर सकता हूं। इंदौर के लिए गाना गा देता हूं मैं। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।